देश का प्रधानमंत्री सो रहा है। हम 4 साल से बहुत दुखी हो चुके हैं, काफी परेशान है। और आपने ये तो देखा है कितने लोग परेशान है, कोई अकेला तो है नहीं। इतने लोगों की समस्या जब मोदी जी नहीं सुन रहे हैं तो क्या मोदी जी को हक है कि वो वहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे। जितना देश की केंद्र सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है और गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, शायद मेरी 58 साल 59 साल की उम्र होगी, मैंने किसी सरकार को नहीं देखा। या तो हमारी सुनो, मन की बात बोलते हैं बार बार, मन की बात क्या होती है? मन की बात हमारे ही मन की बात सुनो ना, हम कितने दुखी हैं, कितने लोग दुखी हैं। मगर फिर भी लोग भी कहते हैं बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी में तो जूते लगाने चाहिए। तुम जो कह रहे हैं से कम 350 से 400 के करीब चीट फंड की कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों ने मिलकर कम से कम 10-15-20 करोड़ लोगों को लूटा है। उसमें भी लूटने वाली, इक्का दोक्का कर भाग जाने वाली इन सारी कंपनियों में भी सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो वह है PACL। देश के 6.25 करोड़ लोगों ने PACL कंपनी में पैसा जमा कराया छोटी छोटी बचत योजनाओं के नाम पे, लेकिन पिछले 2013 से उनका 49,000 करोड़ रुपया पेंडिंग है जो नहीं दिया जा रहा है। कि मेरा 70 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है, मेरा मेरी फैमिली का, और हमारे लिए परेशान करते हैं, कहते हैं आत्महत्या कर लो, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। 3 बच्चे हैं मेरे, बीवी है, उसको आके परेशान करते हैं और कहते हैं कैसे पैसा ला के दो, तुमने हमारा पैसा लिया है, अब हम अपने पैसे किससे ला के दें, कैसे लें, और हमको अपनी पीड़ा किसको बताएं, ये सरकार को बताएं, किसको बताएं। कितनी बार हम जंतर मंतर आए, हर बार हमको सहायता नहीं दी जाती है कि अगली बार हो जाएगा काम, कोई डेट नहीं दी जाती है, ना कोई समय दिया जाता है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए। मैडम पल्स कंपनी में मैं एजेंट के तौर पर काम करती थी। हम लोगों ने लोगों के पैसे इन्वेस्ट किए क्योंकि हमें बोला गया था कि कंपनी बिल्कुल अपनी जगह सही है और सारी चीज़ें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम थोड़े थोड़े से जमा करके पैसे हमने काफ़ी बड़ी रकमें जमा करवा दी लोगों की। आज वो कंपनी 2013 में बंद कर दी, और अचानक जब 2013 में बंद करी तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कुछ नहीं होगा, आप बस शांति रखिए। आज 2019 आ गई मैडम, शांति रखते रखते लोग हमारे घरों पे जूते डंडे लेके चढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। मेरा बेटा पूरा पैर से बेकार हुआ पड़ा है घर में और मैं यहाँ बैठी हूँ। कहते हैं कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, बच्चों को बेको, कुछ भी करो, हमारा पैसा दो। और कुछ लोग तो दबंग इतने आते हैं कि थाने में रिपोर्ट कर देते हैं उल्टी सीधी, और लेडीजें आती हैं बोलती हैं कि तेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, गलती गंदी बातें करती हैं, उनका पैसा हम कहाँ से लें, घर से दुख के हम टूटी जाते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, कोई हम पे ना नौकरी है ना कुछ है, प्राइवेट काम करते हैं, कैसे उनका पेमेंट इतना बड़ा लंबा पेमेंट कैसे करें। हमारे ऊपर कोई चीज़ हो तो हम दे, एक लिमिट में हमारी आय है, छोटी सी जमीन हम कैसे उसका काम कर सकते हैं। हम किसी भी कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे वहाँ भी लोगों हमारे बच्चों को ताने मारते हैं कि आप लोग चोर हो, आपने हमारा पैसा खा लिया, खुद किसी कंपनी में नहीं दिया, जबकि हम लोगों ने तो वही किया जो पल्स में काम करने के लिए हमें बताया गया। हम ज़्यादा बहुत परेशान हैं, मेरी वाइफ की तो हालत मरने तक की नौबत आ गई, बहुत डिप्रेशन में रहती है मेरी वाइफ, एक बेटी है मेरी, इंटर में पढ़ती है बेटी मेरी, क्या कहते हैं, वो भी परेशान रहती है, उससे भी बोलते हैं लोग कि तेरे बाप ने पैसा ले लिया, तेरी माँ ने पैसा ले लिया है, तो उनको कैसे बच्चों को समझाया जाए, बेटे हमने तो अपना काम के लिए लगाया था। और क्या करके, मैं तो एक बार फांसी भी लगा ली थी क्योंकि लोग बस्ती के लोगों ने मुझे उतारा फांसी से, ऐसा मत करो, लेकिन मुझे जीना भी दुर्लभ हो रहा है, इतना मैं परेशान हूँ, एक एक दाने के लिए परेशान हो गया हूँ, खाने पीने के लिए मेरे पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या करूँ, मर जाऊँ या मिट्टी के तेल छिड़के मैं आग लगा लूँ, क्या करूँ मैं। अगर हमारे मरने से, हमारे कुछ करने से अगर हमारा पैसा माफ होता है तो हम तैयार हैं।
मैं तैयार हूँ, मेरी फैमिली को कुछ कोई कुछ ना करे तो मैं आत्महत्या या कोई भी जो भी सहूलत हो मैं उसको भी तैयार हूँ, मुझे परमिशन दिलवाइए, मैं तैयार हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ आप मुझे जिंदा जला दो। मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, मैं कैसे कैसे उनके लिए क्या करूँ। अरुण जेटली के पास भी गए थे, वो निगेटिव एडवाइजर भी थे इसमें, उन्होंने भी कह दिया हाँ हम करके बस छुट्टी और बंडर बांट करते हैं, लोना कमेटी में ढाल दी है, कोई बेचेगी कोई कुछ करेगी, ऐसे ऐसे हमको यहाँ से बाजी दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। लोना कमेटी और सेवी बनाई है, ये भी दो साल हो गई कि 2500 तक के पेमेंट कर रहे हैं, उनमें भी आधे इनको पैसा दिया आधे इनको ना दिया, और नाम कर दिया कि हमने पैसा दे दिए, वो भी अब देना शुरू करो जब ज्यादा वो आफत आई। हम क्या जानते थे कि जब ये सरकार में आएंगे तो हमारी सबकी गला काट लेंगे, आज हमारे संग में इन्होंने क्यों किया ऐसा? अगर ये कंपनी फ्रॉड थी तो इस पब्लिक में उस कंपनी को हीरो क्यों बनाया, क्यों उन्होंने अवार्ड दिए, क्यों वो उन लोगों के एनुअल फंक्शंस में शामिल होते थे? ये बीजेपी सरकार अगर इतनी अच्छी थी तो इसने पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दिलाया, जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी हम पैसा दिलवाएंगे, आज तक किसी को नहीं दिलवाया, लोग आत्महत्या कर करके मर रहे हैं, हमें पुलिस परेशान करती है, हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हमारा जीना दुभर हो गया है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा है, हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। और अरुण जेटली इसके सलाहकार भी रहे हैं और ये कंपनी को 35 साल हो गए चलते, अगर कंपनी खराब थी पहले क्यों नहीं बंद करी, आज निरी कंपनियां ऐसी हैं जो सारी बंद कर दी है, बेरोजगार हो गए लोग सड़क पर आ गए और तुम कह रहे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों ने इस उम्मीद में पैसा दिया था कि अपने बेटियों की शादी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, अपने घर की स्थिति को थोड़ा उन्नत करेंगे, क्योंकि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का ही है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए कि बेटी की शादी, शिक्षा दीक्षा, ये सब के लिए उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया था, लेकिन वो सारा पैसा चूंकि कॉरपोरेट स्कैम के रूप में डूब गया जो अभी तक नहीं मिला है। इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है, 49,000 करोड़ रुपए का ये मैटर है। मेरी बेटी बेटी के लिए रखे थे पैसे, बीएड के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखते हैं, अपने भी रखे हुए हैं तो अभी तक नहीं मिले, हमारे बच्चे पढ़ने से रह गए क्योंकि हमने एक एक पैसा जोड़ के रखा था, अपना रखा था, लोगों का रखा था, बेचारे कई मर गए, हमारे कस्टमर कई तो मर गए हैं, तो कम से कम मेरे 20 कस्टमर मर गए हैं बेचारे, अब उनके पैसे लगाए हैं तो लोग उनके परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, हम लोगों को कहाँ से दें, हम अपनी इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं जो हम दे सकते हैं, यहाँ से कमाते थे तो हम पैसे इकट्ठा करना, हमारे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है पैसा देने का तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है पैसा, जबकि कंपनी की जो असेट्स है वो सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जितनी लायबिलिटी है उससे लगभग 3-4 times उसके पास कैपिटल है। फिर भी मोदी जी एक फूटी कोड़ी वापस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि पीएसीएल और लूटने वाली पॉन्सी स्कैम की इन चीट फंड कंपनियों से ही सारे चुनाव में मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए चंदा मिलता रहा है। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया कंपनी के बारे में पैसा लौटा दिया जाए निवेशकों का, मगर 4 साल में अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं मान हुआ है, तो कोर्ट बढ़ा है, केंद्र सरकार बढ़ी है। लोगों को बेवजह परेशान करने की और बड़े, बहुत बड़े घपले की प्लानिंग थी इनकी, इनसे कोई पूछने वाला कोई है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना नहीं जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये ऑर्डर दिया कि पीएसीएल की सारी प्रॉपर्टी की नीलामी की जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी करके इन 6.25 करोड़ इन्वेस्टर जो पीएसीएल के हैं उनका एक एक पैसा वापस करो। मोदी जी This Modi government has been patronizing the loot of our country's poor people by giving sanctions and licenses to indiscriminate companies to raise resources through the process of chit funds. Now these chit fund companies are a menace. It has affected more than 40 crores of our people, that is more than 1/3 of the Indian people have been affected by this loot. And even after the Supreme Court's directions that this one company, PACL, that sells its assets and returns the money to the people, this is not being done. And the very fact that the country's finance minister is the advocate for the company
against the people who are looting. That itself speaks volumes of the attitude of this government. So nearly 3.6 lakh crores has been paid to your top corporate cronies of this government. While this is the fate of 40 crores of people, that they are not getting back their hard-earned savings. So we think that these chit fund companies must immediately be banned. All loans, people's savings will have to be monitored and guaranteed by the government. बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को छूट दी जा रही है। जिन नीरव मोदी हैं, विजय माल्या कितने हैं, उनको अनगिनत, ये तो दो नाम हैं, जिन कितने नाम ऐसे जो छुपे पड़े हैं। लेकिन हम खैरात नहीं मांग रहे, हमारा कमाया हुआ, हमारा जमा हुआ पैसा, जमा किया हुआ पैसा, अरे हमारा सम्मान ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, हमारी नौकरी रोजगार ले लिया, हम करें क्या? हम लाखों आदमी हम दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई पश्चिमी बंगाल से आया, चाहे कोने कोने से 28 स्टेट से लोग यहाँ आए हैं। आर्मी के जवान, बेरोजगार नौजवान, आपके जैसे इन्वेस्टर्स, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, किसी के लिए इस सरकार के पास ऑफर करने के लिए, देने के लिए झूमने के अलावा कुछ नहीं। कि अपनी मांग के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी कंपनी के लिए एकजुट होकर जिथे भी संघर्ष करने की जरूरत है उथे तुरंत पहुंचने की कृपा करें और केंद्र सरकार के खिलाफ एकदम आवाज बुलंद करें ताकि ऐसी सरकार दोबारा देश में ना आ सके। उखाड़ फेंको इस सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंको। इसका इलाज भविष्य में एक ही है, इन सब चिट फंड कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाए। कोई भी पैसा बचत आम मेहनत के लोगों की वो कहीं पर जमा होगी तो वो सरकारी गारंटी होनी चाहिए उस पैसे के बारे में, और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए पैसा वापस मिले लोगों को जिन्होंने अपने बचत को इस तरीके के कंपनियों में रखा। तो प्राइवेट चिट फंड कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाना है तो इस सरकार को बदलने की जरूरत है।